पर आज राधा ने जवाब दिया मैया जसोदा से, मैया देखो मेरी माँ का नाम है कीर्ति और हमारे पिता ही प्रसभान। और आज मैया जसोदा ने कीर्ति का नाम सुना तो मैया ने दो चार गाली दे डाली, बोली बताओ कीर्ति की बिटिया इतनी सुंदर और हमने आज तक नहीं देखा। आज भैया जब शाम होने वाली थी ना, मैया जसोदा बोली अरे कन्हैया देखो शाम हो गई, आप भी काम करो। बोले क्या? मैया ने जवाब दिया कन्हैया एक काम करो कि आप राधा को परेशानी में छोड़ करके आओ। आज महाराज जब इस बात को कहा आज सीत में पर, और जब भगवान ने सुना, भगवान चाह रहे थे कि मैया कब कहे और मैं राधा के साथ बरसाने जाऊं। आज राधा जी को साथ लिया, भगवान बातें करते रहे और जैसी बरसाने में पहुंची ना, आज राधा अपने महलों में पहुंची। मैया कीर्ति ने राधा को देखा, साथ में भगवान को देखा। मैया कीर्ति बोली राधा ये इतना सुंदर बेटा किसका है? राधा ने जवाब दिया मैया ये गोकुल की रहने वाली और मैया जसोदा के बेटा है। ये बातें तो इतनी अच्छी करते हैं ऐसा मालूम पड़ता है इनके मुंह में मिठाई का शरबत घोरा रखा। आज मैया ने जैसी सुना भैया उसी समय पर, और जब शाम होने को आई उसी समय पर कीर्ति ने जवाब दिया कन्हैया देखो अब रात होने वाली है, आप अपने घर चले जाओ। कन्हैया बोले राधा बोले हाँ देखो हमें डर लगता है, हम अकेले नहीं जा सकते, आप हमारे साथ में चलो। राधा बोली हाँ ये काम अच्छा है, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊं तुम हमें छोड़ने आओ, फिर हम तुम्हें छोड़ने जाएं फिर तुम हमें छोड़ने आओ। उसी समय पर भगवान कन्हैया को राधा कुछ दूर तक छोड़ने आई, और जब राधा बरसाने के लिए वापस होने लगी ना, आज भगवान कन्हैया रोने लगे और क्या बोले कि राधा चली रे बरसाने कन्हैया ही लगी बर की रो। राधा चली री परेशानी कन्हैया
आज महाराज भगवान श्याम सुंदर